के माध्यम से हम कुछ संदेश देना चाहते हैं बिहार के तमाम लोगों से कि जो लोग भी मनीष का सबसे हल्का मुट्ठी भर लोग बच गए हैं उन लोग मुट्ठी भर भी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको जितना नफरत करना है कर लीजिए, लेकिन हम लोगों की तरफ से मनीष का सबके प्यार परिवार की तरफ से आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद के सिवा बद्दुआ कभी नहीं देगा। लोग हमारा अभी भी आप लोगों के प्रति प्यार है, स्नेह है, आप लोगों का विरोध हमें करना ही नहीं है, ना हमें बिहार के किसी नेता का विरोध करना है, ना सरकार का विरोध करना है। हम मनीष का सबके बातों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं और जनता को बस यही बताने का काम करेंगे इस यात्रा के माध्यम से कि मनीष कश्यप ने क्या त्याग किया है अपने जीवन को। अरे भाई इंजीनियर था, आराम से 1.5 लाख का महीना कमा लेता, या आज के भी कंडीशन में अगर ऑफिस खोल के बैठ जाए एसी रूम लगा के तो 10-15 लाख कमा सकता है, लेकिन सबका त्याग करके अगर धूप में पसीना खा निकलते हुए बारिश में आंधी में ठंडा में अगर आप लोगों के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं से आप लोग भी उसका सम्मान करना आप लोग का जायज बनता है। और उसी चीज का एहसास दिलाने हम फैसला सुनाने नहीं निकले हैं, हम अपना आग्रह लेकर निकले हैं सभी बिहारवासियों के पास, हम आग्रह लेकर निकले हैं। और इस आग्रह में आज अब जैसा कि आपने वादा किया था कि मनीष कश्यप जी की माता जी आएंगी यहाँ पे, तो माँ आज आई हैं और हम लोग माँ का पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं और उनका आशीर्वाद लेकर ही हम लोग यात्रा का आरम्भ किए हैं। हर जिले में जहाँ जहाँ हम लोग सभा करेंगे, जहाँ हम लोगों से मिलेंगे, करण कश्यप जी हमारे साथ रहेंगे और माँ आज आई हैं हम लोग के यहाँ आशीर्वाद देकर के हम लोगों को यहाँ से विदा किए हैं। अब करण कश्यप जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि करण कश्यप जी अपना 2 शब्द आप सभी के सामने रखें। आप सभी आए देख कर मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ज्यादा खुशी मिली। कम से कम लगा तो इतना भीड़ तो मेरे भाई के पीछे खड़ा है। देखिए सबसे पहले चंपारण की जो भूमि है, जो महात्मा जी गांधी जी आए थे और यहाँ पे महात्मा गांधी बना दिए, इसको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, इस भूमि को मैं प्यार करता हूँ, इस भूमि का दंडवत मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। एक मनीष हर जगह नहीं जा सकता है, चाहे मनीष एक आदमी मनीष के लिए लड़ नहीं सकता। मैं भाई हूँ, मैं खुद थक गया हूँ, मेरा और रिलेटिव है लोग खुद थक गए हैं, लेकिन आप लोग का जो देखते हैं कि हाँ इतना समर्थन मिलता है, इतना पोस्ट देखता हूँ, हर पार्ट देखता हूँ, 10,000-12,000 पोस्ट आती है, तो लगता है मेरे अंदर भी लगता है कि नहीं लोग इतना खड़े हैं तो तू क्यों घबरा रहा है। मैं फिर सांस को लेता हूँ और फिर चलता हूँ कि चलो भाई के लिए कुछ किया जाए। अब मैं मनीष के लिए मैं क्यों आया हूँ, मनीष के लिए मैं इसलिए आया हूँ, मनीष मेरा भाई नहीं है, वो आप लोगों का भाई है। मनीष एक माँ का बेटा नहीं है, बिहार के सारे माँ का बेटा है। मनीष पूरे बिहार के लिए जीता है, हर माँ को बोलता है कि आंखों का आंसू पोंछने का काम करता है। कोई भाई आता है मनीष के का मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो भर से कोशिश करता है कि हाँ चलो मैं तुम्हारा ढाल बन के तुम्हारा आगे चलूंगा। अब ये मनीष किया है इसीलिए मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। अगर एक मनीष कुछ भी नहीं किया रहता इस सिचुएशन में, मैं अपने पर लेता हूँ, अगर मैं फंसा रहता तो मेरे पीछे कौन आता, कौन लेता, कोई करण कौन है, कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने समाज के लिए क्या किया, कुछ किया है नहीं। जानते थे नहीं। कुछ नहीं किया हूँ, मैं आराम से कमाता था, अपने परिवार चलाता था, दिल्ली में रहता था, बस यही होता। लेकिन मनीष ने त्याग किया, आप लोग के लिए त्याग किया है। उसने अपने शादी नहीं किया, क्यों नहीं शादी किया कभी सोचे हैं, इसलिए शादी नहीं किया है कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों से लड़ता हूँ, मैं बिहार के प्रगति के लिए बात करता हूँ, बिहार के शिक्षा पर बात करता हूँ, बिहार के स्वास्थ्य पर बात करता हूँ, बिहार में जातिवाद को हटाने के लिए बात करता हूँ, और इसके पीछे मेरे पीछे बहुत हजारों संख्या में लोग पीछे पड़े हैं। मैं अकेला हूँ तो मेरी खुद की फिक्र है, मेरे पीछे कल होकर मेरी वाइफ आती है, जब बच्चे आते हैं तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, इसलिए मनीष ने शादी नहीं किया। लेकिन उस पगले को क्या पता था कि उसके पीछे पूरा परिवार बचा है। आज भाई के लिए हर कोई रोता है, मेरे परिवार में सब कोई, मैं भागता हूँ। इतनी है कि आज हम लोग इस चीज को अभी यहाँ संपन्न कर रहे हैं और आगे की प्रक्रिया कब से हम लोग को परमिशन मिल, क्योंकि हम लोग परमिशन के लिए अप्लाई किया है, जैसे हम लोग आगे का प्रक्रिया का परमिशन मिल जाएगा तो हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका घोषणा हम लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में ये कहा था कि इनकी रिहाई के लिए NSA हटाने के लिए हाई कोर्ट में जाने के लिए, कानूनी जितनी भी प्रक्रिया है कोर्ट की, जो हाई कोर्ट में मामला गया है वो प्रक्रिया वहाँ चल रही है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, उसके विरोध में हम लोग कभी नहीं है। वो अलग, मैं बता रहा हूँ, वो अलग चीज है
और हम लोग जो यहाँ पर जो एक सत्याग्रह कर रहे हैं अलग चीज है, ठीक है ना। हम लोग मनीष कश्यप के बारे में जनता को बताने जा रहे हैं और मनीष कश्यप के मामले में जो भी चीज है वो न्यायालय अपना तय करेगा। स्थिति क्या है मनीष भैया, वर्तमान स्थिति आप सभी के सामने, जितना लोग आप लोग जानते हैं उतना ही हम लोग जानते हैं, इससे ज्यादा कोई। वर्तमान स्थिति ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि हाईकोर्ट के लिए मूव करने के लिए, हाईकोर्ट के थ्रू आने के लिए, तो हम लोग हाईकोर्ट के मंगलवार को मैं जा रहा हूँ। मंगलवार को वहाँ पे बेल पटिशन जो होती है एन एस ए पे जो खारिज करने की प्रक्रिया होती है उसको करूँगा। उसके आगे अब देखिए ऊपर वाला का दुआ और आप लोगों के माँ पापा भाई लोग का दुआ बस लग जाए और भगवान सोए हैं शायद जग जाए और मनीष बाहर आ जाए। पिछली बार जब आप तमिलनाडु के मदुरई जेल में आपने मनीष कश्यप से मिले, जहाँ पे वो जेल में हो या उनको किसी कस्टडी में रखा गया, आप मिले तो उनसे क्या बात हुई, दर्शकों को जरा बताइए क्योंकि सब लोग जानना चाहता है मनीष की बात। हम आप लोग एक बात बताना, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाए, कानून का हम लोग सम्मान करने दिया जाए क्योंकि कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। उसी से अंत में बस इतना ही लोग आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सभी जब आप लोग अपना कीमती समय निकल के आए हैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे पास समय भी नहीं है, उतनी हमारी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम सब आप लोगों का धन्यवाद दे सके, लेकिन फिर भी एहसान मंद जरूर रहेंगे आप सभी का इस समर्थन के लिए, इस प्यार के लिए। तो फिर रैली कब निकलेगा, हम तुरंत हम बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया, जिंदाबाद मनीष भैया, जिंदाबाद मनीष भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। धीरे 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 भैया माइक गिरेगा, धीरे 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 नहीं।